ये जिसमें क्याम और काद और सजदा होता है ये सलाद की एक सूरत है सिर्फ कुरान ने कभी भी नहीं कहा कि आप सलाद को पढ़ें कुरान ने फरमाया उसको कायम करें मुझे बताइए आप कैसे कायम करते हैं उसे फजर की जब नमाज पढ़ते हैं जहर की असर की नमाज़ पढ़ते हैं मग़रब ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं तो आप उसको कायम करते हैं चले छोड़िए बता दीजिए कि कायम करने का मतलब क्या है सलात जो है उस लफ्ज पर गौर करना है हमारे जो उलमा गुफ्तु करते हैं ना दीन की तो वो लकीर के फकीर बन के करते हैं जब एक लफ्ज़ के एक ही माना उन्हें मालूम हो, तो फिर गलती का अहतमाल बढ़ जाता है हमारे यहाँ दीन जो है उसको बाकायदा सिखाया नहीं जाता और हमारे मुसलमानों को भी ये गौर करना चाहिए कि जिस तरह वो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसकी तालीम हासिल करते हैं ना बाकायदा। मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं तो उसकी तालीम बाकायदा हासिल करते हैं इसी तरह दीन की तालीम हर मुसलमान को बाकायदा हासिल करनी चाहिए दीन समझने के लिए अब आवाम उन्नास के लिए रह दे के एक जरिया मालूम का रह जाता है कि वो मस्जिद में जा के उलमा का खुतबा सुने अच्छा मुसीबत यह है कि हमारी आवाम को अरबी जबान नहीं आती कम से कम कोई आलिम ऐसा हो जो खुतबा जुमे का दिया जाता है मसनून अगर उसका तर्जुमा भी हमारी अवामन्नास को बताया जाए तो आप यकीन करें उस खुतबे से बेहतर कोई तबलीग नहीं है जो जुमे का खुतबा होता है उसमें क्या नहीं है सब कुछ है हर मुसलमान एक तो हदीस शरीफ़ में आया है नबी पाक वसल्लम ने फरमाया मुस्लिम शरीफ की हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसूल इल्म हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज है आज क्या है हमारा जो रिवाज है हमारे जो माशरे में पाकिस्तान के जो हमारे नॉर्म्स हैं वो क्या है कि मदरसे में दीन का इल्म हासिल करने जो जाएगा वो आलिम बनने की नीयत से जाएगा उलमा के अलावा कोई और जा रहा है मदरसे में दीन हासिल करने नहीं जा रहा ना क्यों नहीं जा रहा आपके ऊपर तो फर्ज है और उन माँ बाप से जरा पूछें जो दुनियावी तालीम तो अपनी औलाद को दिला रहे हैं क्यों अगर नहीं दिलाई तो बड़ा होकर के क्या करेगा ये झाड़ू लगाएगा सड़कों पर यह आम का ठेला लगाएगा या दही बड़े का ठेला लगाएगा है ना अच्छे पैसे कमाए इसलिए उसको स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेजते हैं तुमको ये याद नहीं रहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत और और पर फर्ज है कौन सा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई केमिस्ट्री का इल्म थोड़ी फरमा रहे थे दीन के इल्म की बाबत फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर और इल्म और हासिल करना फर्ज है आज अगर हर मुसलमान अपने गिरेबान में झांक करके देखे पूछे अपने आप से कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की इतनी बड़ी नसीहत को फरामोश कर दिया और फिर हम सुन्नतों के दावेदार हैं एक जाहिल आदमी को रब ने कभी दोस्त नहीं बनाया मौलाना रूम ने फरमाया है बे इल्म नितवा खुदारा शनाख्त बे इल्म नितवा खुदारा शनाख्त के बगैर इल्म के खुदा को पहचाना नहीं जा सकता अब मैं अगर आपसे पूछूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि हदीस शरीफ कहती है कि हसूल इल्म हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत के लिए फ़र्ज है क्या आपके वालदेन ने इस फर्ज़ को पूरा किया है आप पूरा कर रहे हैं जब आप ने दीन का इल्म हासिल नहीं किया जो आप पर अल्लाह के रसूल ने फ़र्ज किया है तो फिर जाहिल रह के दीन के मामले में आप इसी तरह की उल्टी सीधी हरकतें करेंगे कभी वहाबी बन जाएंगे कभी शिया बन जाएंगे कभी बरेलवी बन जाएंगे कभी जो है अहले हदीस बन जाएंगे उम्मत ही नहीं बनेंगे अगर आपने भी दीन का इल्म हासिल किया होता अल्लाह के रसूल की नसीहत पर अमल पैरा होते हुए आपको तो सिर्फ एक ही फर्ज याद है ना कि भाई नमाज पढ़नी है रोजा रखना है यही फरज़ हैं इल्म हासिल करना दीन का यह भी फर्ज है अल्लाह ताला की तरफ से ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर है कि नहीं है इल्म तालाबल अला कुल मुसलिम वल मुस्लिमात इल्म हासिल करना फर्ज है मुसलमान पर भी और मुस्लिमात पर भी अच्छा अब यहां पर यह इंटरेस्टिंग जो अल्फाज हैं कि इल्म हासिल करो इल्म, वलौ के अतलबुल हासिल करो भले ही तुम्हें चाइना जाना पड़े अब देखो ये कुदरत के खेल हैं हर चीज चाइना बना रहा है हुजूर ने साढ़े चौदह सौ साल पहले फरमाया कि इल्म हासिल करो भले ही तुम्हें चाइना जाना पड़े खैर मतलब ये नहीं था कि चाइना में कोई इल्म दफन होगा वहां से ढूंढ के लाना पड़ेगा आपको सही है ना उस वक्त चाइना जाना शायद बहुत दुशवार काम होगा उस दुश्वारी को मद्देनजर रखते हुए फरमाया होगा कि भले ही कितनी ही दुशवार और यानी कठिन रास्ता क्यों ना हो चाइना तक भी जाना पड़े इल्म हासिल करने के लिए तो जाओ और इल्म हासिल करो किसको कहा था ये सोचने की बात है मुझे कहा था आपको कहा था ये उस दौर के सिहाब ही थे ना कुरान तो था उनके पास फिर चाइना क्यों भेज रहे थे गौर करने वालों के लिए हैं ये बातें लकीर के जो फकीर हैं उनके लिए नहीं है ये आज तो आप मौलवियों को कहते हुए सुनेंगे ना सारा का सारा इल्म कुरान में बंद है अब मुझे ये बताइए कि अगर सारा इल्म कुरान में ही बंद है तो चाइना जाने का क्यों कह रहे हैं ऐसा भी कोई इल्म है ना कि जो इस कुरान में नहीं है वो बातनी कुरान में है क्योंकि असल कुरान तो वही है जो बातिन में है कहां है असल कुरान मोहम्मद रसुल्लाह के कलब मुबारक पर यह नाजिल हुआ था तो वहां महफूज है ना उस तक तो हम रसाई हासिल करते नहीं है क्योंकि हमको उलझा दिया गया है ना इन मामला में हाजिर हैं या नाजिर हाजिर नाजिर हैं या नहीं है नूर हैं या बशर हैं इन्हीं चक्करों में लड़ते रहो मारते रहो एक दूसरे को काफिर मुनाफिक कहते रहो जहाद करते रहो मुसलमानों में आपस में तलवारें चलाते रहो एक दूसरे के गले काटते रहो बस यही तुम्हारा इस्लाम है और कुछ नहीं सीखा है तुमने दीन का इल्म हासिल न करना मोमिन ना बनना एक दूसरे के गले काटते रहना कभी दाढ़ी का इशू ले आना एक मुट्ठी, दो बालिश की होती है कि नहीं होती है कभी इमामे के रंग तब्दील करने पर लड़ाई झगड़े करना कभी हुजूर के नूर और बशर होने पर लड़ना झगड़ना मोमिन बनने की कोशिश ना करना उस कुरान तक पहुंचने की कोशिश ना करना जो हुजूर के सदर अनवर में महफूज है जिसकी अल्लाह ताला ने जमानत ली है कि हिफाजत करेंगे हम ये जो तुम्हारे हाथ में कागज पर प्रिंट हुआ कुरान है इसकी हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने नहीं लिया था क्योंकि जिस वक्त ये आयत उतरी थी उस वक्त ये कुरान इस सूरत में था ही नहीं था क्या बस इन्हीं लड़ाई झगड़ों में जिंदगी गुजर रही है मुसलमानों की मार धार लड़ाई झगड़े फतवाबाजी अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि ये हैं वो मुस्लिम के जिन्हें देख के शर्माए तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं जलवे तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं तो सलात की कई अकसाम है ओरिजिनल जो सलात है ओरिजिनल उसका माना है किसी का नाम लेना और उसके नाम से जो नूर बने उसको भेजना किसी का नाम लेना ये जिसमें क्याम और काद और सजदा होता है ये सलात की एक सूरत है सिर्फ कुरान ने कभी भी नहीं कहा कि आप सलात को पढ़ें कुरान ने फरमाया उसको कायम करें मुझे बताइए आप कैसे कायम करते हैं उसे फजर की जब नमाज पढ़ते हैं जहर की असर की नमाज पढ़ते हैं मगरिब ईशा की नमाज पढ़ते हैं तो आप उसको कायम करते हैं चले छोड़िए बता दीजिए कि कायम करने का मतलब क्या है यूं तो इंजीनियर भी हो शेख इस्लाम भी हो यह बताओ कि मुसलमान भी हो बस एक ही रट लगा रखिए नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो तो जब अल्लाह ताला फरमाता है कि इन व मलाइकातुहु ना अल नबी तो क्या अल्लाह नमाज पढ़ रहा है नहीं नमाज तो नहीं है ना सलात में और जिक्र में जरा सा फर्क है पूछिए क्या है पहले, पहले जिक्र आता है और जिक्र तरक्की करके सलात बन जाता है जिक्र का क्या मतलब है नाम की जरबे लगाना और जब उसका नूर अंदर आ जाए फिर रब का तस्वुर व ख्याल रहना ये कल्ब की सलात है अकीम सलात ले जिक्री जो मेरा जिक्र कर रहा है ना इससे अपने अंदर मेरा ख्याल मेरा तस्वुर अपने कल्ब पर वाजिब कर ले कायम कर ले ये जो हम नमाज जो कहते हैं ये सलाद की वो किस्म है जिसको अल्लाह ताला ने यानी मुरस्सा बना दिया है मुरा बना दिया है यानी इसको सजा दिया है मुख्तलिफ तरीक़ाए इबादा से कुछ अल्लाह ताला ने फरिश्ते ऐसे बनाए हैं जो सिर्फ़ क़याम में रहते हैं कुछ ऐसे बनाए हैं जो सिर्फ रुकू में रहते हैं जब अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में वरक मार तो बताइए क्या मतलब है उसका वरकू मार आप ये नहीं कहना कि यह नमाज के लिए कह रहे हैं नमाज में तो जो है ना रुकू के साथ सजदा और क्याम भी होता है यहां सिर्फ रुकू की बात हो रही है असद मा साजिदीन सजदा करने वालों के साथ तुम भी करो वर का इन रुकू करने वालों के साथ तुम भी रुकू करो कौन है रुकू करने वाले <laughs> आपने किसी को देखा है यहां मस्जिद में जो सिर्फ रुकू कर रहा हो चलिए जरा गौर फरमाइए काबे में देखा हुजूर की मस्जिद नबी में गए आप वहां देखा मस्जिद नूर में देखा मस्जिद क़बा में देखा नहीं देखा क्यों नहीं देखा क्या मुसलमान इस आयत पर अमल नहीं कर रहे हैं वरक मार रहा इन क्यों नहीं देखा आपने रुकू करने वालों के साथ रुकू क्यों नहीं किया आप ये उन फरिश्तों की तरफ इशारा है जिनको सिर्फ रुकू के लिए बनाया था अपने फरिश्ते को अपने दिल को मुनवर कर इस काबिल बना कि वो जो रकू में फरिश्ते हर वक्त खड़े हुए हैं ये तेरा कल्ब वहां जाके रुकू करे और उनको फरिश्तों को पता चले जी हम अकेले ही नहीं हैं नीचे जमीन से विजिटर भी आए हुए हैं इस इबादत में और वो जमीन पर भी मौजूद हैं वहां पर भी रुकू और सजदा कर रहे हैं और उनकी अंदर की चीजें आसमान पे पहुंच के फरिश्तों के साथ भी रुकू में मशगूल हैं कल्ब में अल्लाह की याद का जम जाना कल्ब में अल्लाह की याद का जम जाना इस तकरार पकड़ लेना और आपके हवास पर अल्लाह का छा जाना लम्हा भर के लिए उसका ख्याल आपके जहन और दिमाग से न निकले ये सलात है अब अल्लाह रबुलजत ने अपने महबूब को तोहफा दिया नमाज का यह तोहफा क्यों कहलाया किसी और उम्मत को नमाज अता नहीं हुई तो हमारी ये नमाज में है क्या खासियत कुछ फरिश्ते ऐसे बनाए जो सिर्फ सजदा करते हैं कुछ फरिश्ते ऐसे बनाए जो सिर्फ कयाम में हैं कुछ ऐसे फरिश्ते बनाए जो सिर्फ रुकू में हैं यह नहीं है कि इस फरिश्ते को जिसको रुकू के लिए बनाया ये कयाम में भी चला जाए इजाजत ही नहीं है जिसको सजदे के लिए बनाया वो सजदा करेगा ना रुकू कर सकता ना कयाम में जा सकता और उन सब की मजमुई इबादत लेके हुजूर की उम्मत के लिए अल्लाह ने एक नई इबादत बना दी कि तेरा कल्ब सलाते दायमी में रहे दिल में अल्लाह का नक्श अल्लाह की याद जम जाए इस पकड़ ले और जिस्म के तौर पर तू रुकू भी करे जो फरिश्तों को अल्लाह ने इबादत दी कयाम भी करे जो दूसरा फरिश्तों फरिश्तों का जुट है और तू सजदे में भी जाए जो मलायका के लिए अल्लाह ने मखसूस किया था तो सारे मलायका सारे फरिश्तों की इबादत को यकजा करके जाहिरी सलात बनाई और बातनी सलात कल्ब में रब की याद का जम जाना मुस्तकिल हो जाना यह भी तुझे अता कर दी उसके बाद फरमाया असलात मेराजुल उलमोमिन अगर किसी को यह सलात मिल गई तो मोमिन की मेराज है कलमिनेशन है उसकी क्या हो गई मेराज हो गई और अगर दायमी सलात कल्ब में न हो सिर्फ जाहिरी रुकू सुजूद और कयाम रह जाए तो हुजूर उसको सलात मानने को तैयार नहीं अब ये हदीस मैं सुना देता हूं आप मुझे बताइए कि हुजूर ऐसी नमाज को नमाज मानने को तैयार है या नहीं हुजूर ने फरमाया ला सलाता बेहजर अलकल्ब ला सलात सलात की नफी कर दी कि मैं ऐसे अमल को सलात मानता ही नहीं ला सलाता मैं ऐसे अमल को सलात तस्लीम ही नहीं करता कौन सा अमल इल्ला बेहजर कल्ब जिसमें कल्ब की हाजिरी ना हो अब करते रहिए आप रुकू और सजूद और कयाम अगर हजूरी कल्ब नहीं है तो फिर हुजूर उसको सलात मानने को तैयार नहीं है तो हजूरी कल्ब हासिल करना बहुत जरूरी था ना जब हुजूरी कल्ब नहीं हासिल किया हमने तो नमाजें भी पढ़ते रहे फ्रॉड भी करते रहे नमाजें भी करते रहे बेईमानियां भी करते रहे नमाजें भी पढ़ते रहे नूर और बशर के चक्कर में भी लगे रहे नमाजें भी पढ़ते रहे औलिया और उलमा की गुस्ताखी भी करते रहे नमाज भी पढ़ते रहे चोरी चकारी भी करते रहे नमाज भी पढ़ते रहे और हराम की कमाई भी कमाते रहे और खाते रहे सारी नमाज बेकार गई सारी जिंदगी बकवास गई क्या आप समझते हैं कि हराम का माल कमाएंगे और फिर नमाज पढ़ लेंगे तो पूरी हो जाएगी कबूल हो जाएगी हराम का माल कमाएंगे तो उम्र करके आ जाएंगे तो कबूल हो जाएगा हराम की कमाई कमाएंगे इफ्तार करेंगे तो रोजा कबूल हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं ना हराम की कमाई से मस्जिद में दिया गया चंदा अल्लाह को पहुंचेगा बल्कि मस्जिदों की खराबी उससे दा होगी आज मस्जिदों में खराबी क्यों हो गई है क्योंकि आज का आलिम जब मस्जिद के लिए चंदा लेता है क्या कोई आलिम आज चंदा देने वाले से पूछता है कि तेरी कमाई हलाल की है या हराम की है कहां गया उल्मा का जमीर कहां गया उल्मा का जमीर मस्जिद में मिंबर पर बैठकर अगर मौलाना भी हराम की कमाई वाला चंदा लेकर मस्जिद तामीर करेंगे तो उस मस्जिद में हिदायत कैसे मैसर आएगी कभी भी नहीं आ सकती मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका मन अपना पुराना पापी था धड़ाधड़ धर सजदे किए जा रहे हैं धड़ा धड़ धर सजदे किए जा रहे हैं हराम कमा रहे हैं हराम खा रहे हैं हराम के पैसे से मस्जिदें बना रहे हैं हराम के पैसे से उमरा कर रहे हैं हराम के पैसे से हज को जा रहे हैं हराम के पैसे से इफ्तार कर रहे हैं और करा रहे हैं तो फिर हमारा दीन सलामत कैसे रहेगा इसके ऊपर जोर ही नहीं है हमारा वजू से ज्यादा अहम है हलाल की कमाई वजू से ज्यादा अहम है पूछो क्यों वजू तो स्किन के ऊपर गंद लगी होती है ना उसको धोता है हलाल की कमाई हमारे अंदर जो नसें हैं खून दौड़ रहा है हमारी उन नसों को और खून को पाक रखती है जहां पर हमारी रूहों का ठिकाना है अगर हलाल की कमाई से हमने अपना पेट नहीं पाला तो हमारे खून में हराम चला जाएगा और फिर कभी भी हमारी रूहों को अल्लाह का नूर मैसर नहीं आ सकता खून की सफाई हलाल कमाई में है रिस्क हलाल जरा गौर कीजिए कोई जानवर आप काटते हैं तो क्या करते हैं अल्लाह के नाम का जिक्र इसमें अल्लाह के जरिए उसको जिबा करते हैं है ना तो इसमें अल्लाह जब उसके ऊपर अल्लाह का नाम पढ़ा जाता है तो उससे वो हलाल हो जाता है ठीक है तो आप जिस जानवर को हलाल करके इसमें अल्लाह से खा रहे हैं वो जा उस जिस्म में रहा है जो जिस्म में अल्लाह का जिक्र अल्ला ही नहीं है अल्लाह का इजम ही नहीं है और तूने उस जानवर के जिस्म पर तो इसमें अल्लाह पढ़ लिया तकबीर पढ़ ली अल्लाह का नाम जो है लिया उसके ऊपर जिबा करते वक्त तेरे जिस्म के ऊपर भी इसमें अल्लाह पढ़ा जाता है कि नहीं तेरे खून में भी अल्लाह का इसम पुकारा जाता है कि नहीं लोग कहते हैं कि शैतान नजर नहीं आता कि शैतान तुम्हारी रगों में दौड़ता है और जिधर शैतान को ढूंढना है उधर दाखिल ही नहीं हो रहे तुम तुम शैतान को ढूंढ रहे हो गुजरावाला में लाहौर में जहलम में पिंडी में यहां थोड़ी है शैतान वो तेरे अंदर घुसा हुआ है तेरी रगों में दौड़ रहा है वो अब जो शैतान रगों में दौड़ रहा है उसके लिए कौन सा वजीफा करोगे वो अंदर रगों में से जो, जो शैतान दौड़ रहा है उसको कैसे बाहर निकालोगे है कोई वजीफा नहीं है ना कुरान के पास है कुरान कहता है कि तेरे कल्ब में अल्लाह का जिक्र दाखिल होना चाहिए जब तेरे कल्ब में अल्लाह का जिक्र दाखिल हो जाएगा दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह हु, अल्लाह हु, अल्ला हु की जरबे लगेंगी अल्लाह आपस में टकराएगा नूर बनेगा दिल का काम क्या है वो खून को साफ करता है और धकेलता है धकेलता ही है ना खून को साफ करता है उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स करता है खून में टिक टिक की जो आवाज आ रही है ये खून आगे पंप हो रहा है ना उसकी वजह से ये टिक -टिक की आवाजें आ रही हैं धक धक जो होता है ऑक्सीजन मिक्स हो रही है ना उसमें अब ये हॉस्पिटल में कहीं जाएं तो यहां एक वो छोटा सा लगाएंगे तो देखेंगे कि इसकी ब्लड की ऑक्सीजन कितनी है अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है तो फिर मसला है तो खून के अंदर ऑक्सीजन दिल के जरिए जा रही है ना अल्लाह क्या फरमाता है कि कल्ब के अंदर अल्लाह का जिक्र बसाओ जब दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाहू गूंजेगा नूर बनेगा तो वो नूर नसों में खून में शामिल हो जाएगा क्यों जी जब दिल के अंदर नूर बनना शुरू हुआ जिक्र से तो खून के अंदर नूर मिक्स हो जाएगा और जब खून के अंदर नूर मिक्स हो गया फिर नस नस में वो नूर दौड़ेगा नस नस में वो नूर दौड़ेगा और जहां जहां नसों में उसको शैतान नजर आया वहां से वो नस फड़कना शुरू हो जाएगी आ, तो उस वक्त तक वो नूर उसको पुश करता रहेगा जब तक वो नार को न्यूट्रलाइज ना कर दे नूर अंदर दाखिल होगा नसों में और उसको धकेल धकेल के बाहर निकालेगा ये अल्लाह का नाम दिल में गूंजने वाला हर वक्त उठते बैठते करवटों के बल भी ये नूर बना बना के तेरी नस नस में अल्लाह के नूर को भेज के तेरी नसों से शैतान के मोर्चों को खत्म कर देगा तबाह कर देगा फिर तेरी नस नस में नूर फैलना शुरू हो जाएगा अगर दिल ने एक दफा अल्लाह कहा तो सुल्तान हकबाहू ने फरमाया कि तुझे एक दफा दिल अल्लाह करे तो बहत्तर हजार कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा फिर शाह वली ने फरमाया कि अगर तेरे दिल ने एक दफा अल्लाह कहा तो तेरे जिसम में साढ़े तीन करोड़ नशे हैं कितनी साढ़े तीन करोड़ तेरे जिसम में नशे हैं एक दफा दिल ने अल्लाउ कहा साढ़े तीन करोड़ नशों में वो इसमें अल्लाह गूंजेगा साढ़े तीन करोड़ अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा तुम्हें तो। ये वो तरीका है जिससे इंसान का कल्ब और कालिब दोनों पाक होते हैं। समझ गए अच्छा अब जब तेरे अंदर नूर चला गया तेरे कल्ब में ईमान उतर गया तो तू मोमिन बन गया ना अब मोमिनों को कहा कि अब तुम रिस्क हलाल कमाओ कि मेरे नूर ने तेरे नसों को और खून को पाक कर दिया है अब कोई नापाक चीज मत खाना अब कोई नापाक चीज मत पीना अब कोई हराम रिस्क कमा के घर में ना लाना ताकि जो नूर से पाकी खून में नसों में कायम हुई है उसमें फर्क ना पड़ जाए एक लुकमा भी हराम का अगर मोमिन खा ले तो बीमार हो जाए तुम सुबह शाम हराम खा रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा तुम्हें क्यों नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे अंदर नूर ही नहीं है ना और जिसने गंदे कपड़े पहने हुए हो जो कभी नहाया ना हो अगर वो कचरे में बैठ जाएगा तो क्या पता चलेगा उसे कचरे में बैठने से कराहियत होती है ये जानने के लिए पहले गसल फरमाइए नया जोड़ा पहनिए साफ सुथरे हो जाइए उसके बाद जाके कचरे में बैठिए आपको पता चलेगा कि कराहियत क्या होती है इसी तरह पहले अपने दिल में नूर ले आए इसमें अल्लाह का चिराग रोशन कर लें नस नस में नूर पहुंच जाए तेरे वजूद का गोशा गोशा इसमें जात अल्लाह के नाम से गूंजने लग जाए उसके बाद एक नजर भी ऊपर उठाई ममनुआ अशिया की तरफ तो जिस्म को तकलीफ होगी एक लुकमा हराम का खा लिया तो जिस्म बीमार हो जाएगा और आज तो यह आलम है नाम के मुसलमान चेहरे पर दाढ़ी मसनून सर के ऊपर टोपी या इमामा शरीफ लिबास बेहतरीन साफ सुथरा और खून गंदा दिल गंदा नूर नहीं जिस्म में नूर नहीं कल्ब में और कोई होश नहीं रूह को अल्लाह का और ऐसी हालत में जाके काबे में नमाज पढ़ते हैं उम्र करते हैं हज करते हैं मैं तो यह कहता हूं जब तेरे अंदर शैतान बैठा हो तेरे खून में नार हो तो ऐसी हालत में काबे को जाना गुनाह है तेरे लिए क्योंकि तू अपने नापाक वजूद को लेके अल्लाह के घर अल्ला में दाखिल हो रहा है गुना कमा रहा है पहले बेहतर नहीं है कि तू अपने अंदर को पाक और साफ कर ले पहले अपने दिल को शिरक और बिद्दत से और कुफर से आजाद करा ले इसमें जात का चराग रोशन कर ले अपने कल्ब को मरकजे तोहहीद और इसालत बना ले उसके बगैर अगर वहां जाएगा तो क्या मिलेगा कुछ भी नहीं तो सलात जो है कायम करने वाली वो इंसान के कल्ब में इसमें जात अल्लाह का दाखिल होना और इसकरार पकड़ना है पूरे कुरान में इसमें अल्लाह से ज्यादा मोतबर लफ्ज कोई नहीं है है तो बताइए इसमें अल्लाह पूरे कुरान का नचोड़ है मौला अली ने फरमाया पूरा कुरान सूरह फातिहा में बंद है। और सूरह फातिहा कुल फातहा कुल्ह अहद में बंद है और कुल अल्लाह वालाद बिस्मिल्ल रहीम में बंद है और बसम इसमें जात अल्लाह में बंद है इसी तरह जब तेरा दिल इसमें ज़ात अल्लाह के जिक्र से मामूर होता है तो इसमें ज़ात अल्लाह के जिक्र से पूरा नूर क़ुरान तेरे कल्ब में दाखिल होना शुरू हो जाता है bringing light, love, and peace in your life.